जमशेदपुर मास्क नहीं पहनने पर झारखंड सरकार का तुगलकी फरमान कि 1 लाख तक जुर्माना या 2 साल तक जेल को लेकर आज जमशेदपुर में प्रशासन द्वारा कई दुकानदारों को नोटिस थमाया गया, जिसे लेकर व्यवसाय संगठन सड़कों पर उतर गए और कल यानी शनिवार को जमशेदपुर बंद करने का आह्वान किया, जिसका समर्थन कई राजनीतिक दल भी व्यवसाय को दे रही है। आज जमशेदपुर जिला प्रशासन पूरे दलबल के साथ बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर रखे दुकानदारों पर कार्रवाई करना शुरू कर दी। कई दुकानों को बंद कर उन्हें नोटिस थमा दिया गया और उनमें 2 दिन के अंदर जवाब मांगा गया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि दोपहर के समय हम खाना खा रहे थे, उस वक्त यह कार्रवाई की गई और हमें कहा गया कि उचित जवाब दीजिए, अन्यथा 1 लाख की फाइल ठोक दिया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई साक्षी बाजार में कई दुकानदारों के साथ की गई। हम उस 1:40 में हम खाना खाने के लिए बैठे थे काउंटर पर दोपहर के समय में। उसी समय SP साहब आए, कोई आया थाना के आदमी लोग, और हम खाना खाने के पीरियड में वो क्या बोल रहे हैं कि दुकान बंद करो, ये 1 लाख का फाइन ठोक देंगे। ऐसी बात हुआ नहीं तो 1 लाख का फाइन ठोक देंगे। 48 घंटा के अंदर आप जा करके थाना के अंदर आप जवाब दीजिए, ठीक है। और खाने में हम क्या खा रहे थे ये भी मेरे साथ प्रूफ है। वो काउंटर पर अपने हम खाना कोई रखे थे, ये देखिए ये चीज़ हम खाना खा रहे थे। चावल वावल तो कहीं मिलता नहीं है, मार्केट में बंद है, तो ये ला करके हम खाना खा रहे थे। उस पीरियड में इस तरह से बात मेरे साथ हुआ। क्या स्थिति हुई आपकी मालिक? और मालिक फिर इसके चलते यदि मेरे को दुकान से निकलने का तो बच्चा लोग का भरण पोषण पर भी आफत होगा। 90 के नाम से जो उनका पर्चा है वो पर्चा दिए हमको, पर्चा के साथ में फोटो खींचे और बोले कि दुकान में लगा लीजिए, 48 घंटा के अंदर जा करके जवाब दीजिए। अब जवाब देना है कि आप क्या कर रहे थे उस पीरियड में? नहीं, ये ऐसा कोई बात नहीं बोल रहा था कि दुकान बंद करो नहीं तो हम फाइन ठोक देंगे। हाँ, फाइन वाली बात नहीं आई है। डर तो है, ऑटोमेटिक डर है। आज मालिक मेरे को निकाल ही देगा दुकान से तो हम बच्चा लोग लेकर के जाएंगे कहाँ, भरण पोषण कहाँ करेंगे? अब बोलिए कि उस पीरियड में खाना खाना भी आफत है, सरकार की तरफ से ये पूछा जाए। क्या हेमंत जी यही नियम लागू कर रहे हैं? क्या चाहते हैं सरकार? ये जो नियम लगाए हैं ये नियम को वापस लीजिए और लंच पीरियड के आवर में ये कभी भी अपने प्रशासन को मत भेजें, क्योंकि जो 1 से 2 के बीच में होता है लंच का पीरियड होता है, सब लंच करेंगे, मालिक से लेकर स्टाफ तक टोटल आदमी लंच करेंगे। समय गलत था? हाँ, समय गलत था सर। एनी टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बाजार के अंदर भी देख लीजिए, बाजार के अंदर तो ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है कि कस्टमर भी नहीं है मार्केट के अंदर, ऑटोमेटिक आदमी मौत पर मस चढ़ा करके बैठा रहता है, वो नहीं करने के लिए सोचना पड़ता है। उस समय मेरे स्टाफ खाना खा रहे थे बैठ के, और तो 2-3 जन पहले फ़ोटो खींच के गए तो हमने देखे कि क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे थे। तब 5-6 जन पूरे एक साथ आए, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए, वो लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा वो लोग अचानक से बोलते हैं आप खाना क्यों खा रहे हैं बिना मास्क पहने? अब आदमी बिना मास्क पहने खाना कैसे खा सकता है, जबकि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग पूरा था। फिर उसका बोलते कि आप पेपर लगाइए, और मैंने बोला सर आप खाना खा रहे थे उसमें क्या करिएगा आदमी लोग? तो बोलते हैं आप बहस क्यों कर रहे हो, आपको 1 लाख फाइन चढ़ा देंगे बहस करने से, दुकान बंद करिए, वरना 1 लाख फाइन चाहिए। वो 1 लाख का पूरा वो किए जा रहे थे कि आप करिए वरना लगा देंगे, वरना फाइन लगा देंगे, ऐसे बोले जा रहे थे। अब ऐसा सिटी में हमने बंद किया, फिर पेपर चिपकाया है। दोनों बोल रहे थे, पहले पुलिस वाले को मैंने बोला कि भैया वो खाना खा रहे थे तो बहस क्यों कर रहे हैं, फिर JNSC को बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि आप बहस क्यों कर रहे हैं। बिजनेस कैसा होगा? बिजनेस एकदम नहीं चल रहा, कस्टमर नहीं है मार्केट में, बोनी करने के लिए सोचना पड़ रहा है एकदम, फिर स्टाफ को देना, स्टाफ को पेमेंट देने में मुश्किल हो रहा है पूरा। फॉलो किया जा पूरा, जैसे उन्होंने बोला सैनिटाइजर रखिए, ग्लव्स पहन के रखिए, सब कर रहे थे खाना खाने के लिए, उस समय पूरा आ गए। झारखंड सरकार के आदेश के बाद जमशेदपुर प्रशासन आज हरकत में आया और जमशेदपुर के बाजारों में प्रशासन द्वारा पहले सिविल में महिला पुलिस द्वारा फोटो खींचकर सबूत इकट्ठा किया गया। इसके बाद प्रशासन पूरे दलबल के साथ कई दुकान पर कार्रवाई की और साथ ही साथ जमशेदपुर के कई दुकानों को नोटिस थमा दिया और दुकान बंद करने का फरमान जारी कर दिया। मार्केट में और जमशेदपुर के अन्य बाजारों के अंदर प्रशासन के द्वारा लगातार ये अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें उन दुकानदारों को पकड़ा जा रहा था जो मास्क नहीं लगाए थे, उन खरीदारों को पकड़ा जा रहा था जो मास्क नहीं लगाए थे।
लेकिन कुछ लोग अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्होंने स्ट्रेटेजी ये बना ली है कि जब प्रशासन आएगा तब हम मास्क लगा लेंगे, जब प्रशासन जाएगा तब हम हटा लेंगे, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। इसलिए अभी मैं ADM लाइन ऑर्डर साहब, SDO साहब, JNSC के स्पेशल ऑफिसर, हमारे साक्षी थाना प्रभारी, सब लोग उन दुकानदारों को नोटिस दे रहे हैं जो बिना मास्क लगाए हुए थे। इसके लिए हमने हमारी गुप्त टीम भेजी, उनसे फोटोग्राफी करवाई और उस फोटोग्राफी के आधार पर दुकानदारों को नोटिस दिया जा रहा है। इनको 3 दिन के अंदर जवाब देना, अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता तो अग्रिम कानूनी कार्रवाई विधि के विधानों के अनुसार की जाएगी। चला रहे एक तो पहला अभियान, हम लोगों ने कई बार इन लोगों को ट्रेनिंग दिया था कि भाई आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क का यूज़ करिए और अपने दुकान के बाहर सैनिटाइजर रखिए, लेकिन इन लोगों के द्वारा कान में जू नहीं रेंगता, इसलिए आप दुकान को शट डाउन कर रहे हैं, दुकान का बंद करवा दे रहे हैं, ताला बंद करवा दे रहे हैं, ताला बंद करके उसके ऊपर नोटिस दे रहे हैं। हम लोग नोटिस दे रहे हैं, सौकच पूछ रहे हैं, आप 133 का नोटिस दे रहे हैं और सौकच पूछ रहे हैं। अगर वो सौकच का जवाब संतोषजनक, 72 घंटे के लिए दुकान हम लोगों ने बंद करवा दी है और चाबी उन्हीं के पास अभी सील नहीं किया है, और इसके बाद हम लोगों ने खुद को 72 घंटे का समय दिया है, 72 घंटे में अपना सौकच दें, और जब सौकच का जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, सही में इसको रिलीफ देना है कि नहीं देना है। अगर रिलीफ नहीं देना है तो फिर इनके ऊपर हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर FIR करेंगे। FIR में आप सभी जानते हैं कि आप जो भी वायलेशन करेगा उसको 1,00,000 रुपये का जुर्माना है या 2 साल की सज़ा है, जो उनकी पसंद होगा वो मिलेगा उसको। तो ये इस तरह की कार्रवाई है, क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्रतिदिन 4 के एवरेज में डेथ हो रही है और अब प्रशासन लोगों को हाथ जोड़ के कई बार समझा चुकी है। अब हम लोग जितने भी हार्शिव एक्शन है वो भी लेंगे और लास्ट में हम लोगों ने और इससे भी हार्शिव एक्शन लेंगे, ताकि बाज़ार में किसी प्रकार का जिनकी जो परम आवश्यक आवश्यकता है वही लोग करें, यहाँ की केवल फैशनेबल चीज़ जो कर रहे हैं वो फैशनेबल चीज़ करने नहीं देंगे, और किसी परिस्थिति में हम लोग सोशल डिस्टेंस तोड़ने नहीं देंगे, बिना मास्क से घूमने नहीं देंगे, मोटरसाइकिल में डबल सवारी नहीं होने देंगे, बेलेरो है, स्कॉर्पियो में, 4 चक्के में 3 आदमी से ज़्यादा बैठने नहीं देंगे। हम लोग पूरी तरफ से इसको करेंगे, पूरी SDO साहब, CPSP साहब, हम सभी ADM और आपके JNSC के स्पेशल अफसर और अन्य पदाधिकारी के साथ हम लोग इसको कड़ाई से पालन कर रहे हैं।